News 18, India. उस बीच बड़ी खबर आ रही है असम से। असम कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, जिसमें भले ही दूल्हा 21 और दुल्हन 18 साल की नहीं हुई हो, लेकिन अब इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद इसे बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो अहम कैबिनेट, आपको बता दें कैबिनेट में यह अहम फैसला लिया गया है। जानकारी मिल पा रही है कि अधिनियम में विवाह पंजीकरण की जो अनुमति थी, उस प्रावधान को अब निरस्त कर दिया गया, यानी कि बाल विवाह रोकने को लेकर, उसकी दिशा को लेकर ये महत्वपूर्ण कदम जो है वो असम कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। और इस फैसले का सीधा सीधा असर जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी बेहतरी के लिए होगा, लेकिन समझिए कि असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को खत्म कर दिया है। और इस फैसले के बारे में अगर आपको बताएं तो फैसला जो बेहद अहम माना जा रहा है, और 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह को खत्म कर दिया है। और इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि इस अधिनियम में विवाह की अगर बात करें तो जिस तरीके से भी विवाह में तमाम प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 के हों, लेकिन कानून आवश्यक बताया गया था। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। और असम सरकार के फैसले के बाद सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हो, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है, ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने असम सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। यूसीसी ला नहीं सकते, यहाँ बहुत सारे कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं जो यूसीसी यहाँ लाके जो करना चाहते हैं वो खुद उनके कम्युनिटी में है। आप बीजेपी के फॉलोअर्स वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉलीगेमी की बात कर रहे थे ये जोरों शोर से। बीजेपी के बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कम्युनिटी है जिनके यहाँ पॉलीगेमी है, आप उसको बैन नहीं कर सकते। और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने असम सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई है। लेकिन यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। हर किसी के लिए समान कानून होना, फिर चाहे वो नागरिक किसी भी धर्म का हो या फिर किसी जाति का हो, देश में आपराधिक कानून एक ही होना चाहिए। कोई भी जुर्म करने पर सजा वही दी जाती है जैसा कि कानून में लिखा हो, तब अपराधी का धर्म नहीं देखा जाता। लेकिन शादी हो, तलाक, मेंटेनेंस या फिर उत्तराधिकार के मामलों में ऐसा नहीं होता है, तब हर धर्म में अलग अलग पर्सनल लॉ का पालन किया जाता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इन पर्सनल लॉ की अब जगह ले लेगा और सबके लिए एक जैसा कानून होगा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के कोटा से। यहां पर एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कोटा में 3 शिक्षकों पर धर्मांतरण करवाने के प्रयास का आरोप लगा है। इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग में 2 शिक्षकों को निलंबित भी कर दिया गया है। तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दावा तो यही किया जा रहा है कि आरोपी शिक्षकों का संबंध प्रतिबंधित संगठन PFI से है। और आपने देखा है कि हाल ही के दिनों में PFI पर किस तरीके से शिकंजा जो है कसा जा रहा है। मामला कोटा के सांगोद कस्बे के पास एक सरकारी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां के 3 टीचर्स पर एक हिंदू छात्र के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिखने का आरोप लगा है। बच्चों के परिजन और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि छात्र के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण किया जा रहा था। इन आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 2 पर शिकंजा कस लिया गया है, तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मैंने 3 शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है, और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान,
अध्यापक लेवल वन है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सारी शिक्षक है इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है। स्थिति भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी हमारे सहयोगी मां से जुड़े हैं। भवानी, कब से ये धर्मांतरण का खेल चल रहा था, कितने बच्चे इसकी जद में आ चुके हैं अब तक? देखिए, ये बेहद काफी गंभीर मामला है और इसमें इसीलिए कार्रवाई की गई है। और जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि तीन बातें, एक तो वो कह रहे हैं कि प्राइमरी जांच के अंदर ये साफ हो चुका है मोटे तौर पर, ये एक साजिश थी, एक साजिश षड्यंत्र के तहत काम हो रहा था। अगर साजिश थी तो अपना आप में बहुत बड़ा मसला है कि और क्या केवल एक स्टूडेंट तक सीमित है या ज़्यादा स्टूडेंट, इसकी जांच की जा रही है। शिक्षा मंत्री का कहना है कि हो सकता हो कि ये और भी स्कूलों के अंदर बड़े पैमाने पर भी हो सकता है, इसकी बड़े पैमाने पर जाँच की जाएगी कि क्या ये कोटा के इसी जो खजूरी स्कूल तक सीमित है या फिर उसके बाद में और भी स्कूलों के अंदर है। तीसरी बात, इसके अंदर जो PFI का रोल वो कितना बड़ा है, क्योंकि PFI को लेकर एक प्रतिबंधित संगठन है, PFI पर क्रैकडाउन हो चुका है। अब PFI अगर इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है उसका, वो इस तरीके से कर रहा है, तो ये बड़ा अपराध हो जाता है और जाहिर तौर पर इसमें बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ये प्राइमरी कार्रवाई मानी जाएगी। तो अब ये तमाम तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है पूरे मसले में। जिस पहली छात्रा का मामला आ रहा, वो हालांकि उसने एडमिशन काफ़ी पहले लिया था, लेकिन उसके जो कॉलम के अंदर हिंदू की जगह इस्लाम लिखाया था, अब उसके अंदर बाकी के फॉर्म भी देके जाएंगे कि किन स्टूडेंट्स पे और जबरन दबाव बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स के बयान लिए जा सकते हैं जिनसे पूछा जा सकता है कि क्या दबाव बनाया जा रहा है, किन किन पर दबाव बनाया गया और इसमें शिक्षकों के साथ में और किन का इन्वॉल्वमेंट है, ये भी जाँच होगी। जी भवानी, अन्य गतिविधियां भी कराई जाती थी, ये किस तरह की गतिविधियां स्कूल में जो कराई जा रही थी, क्या किस तरह का कोई नेक्सस है जो बहुत एक्टिव है? देखिए, बिल्कुल यही जो सबसे बड़ा सवाल है। अन्य गतिविधियां, जब नमाज पढ़ाई जाती थी, जहां पर आरोप ये है, जो हिंदूवादी संगठनों ने एक ज्ञापन दिया था शिक्षा मंत्री को, जिसमें आरोप लगाया था कि स्टूडेंट्स को जबरन नमाज पढ़ाई जा रही थी, तो स्कूल के अंदर पहले बात तो राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि स्कूल में नमाज नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं हो सकती धार्मिक गतिविधि। फिर अगर स्टूडेंट को अगर नमाज पढ़ाई जाती तो बेहद आपत्तिजनक है, इसकी भी जांच करवाई जा रही है कि क्या ये जो नमाज पढ़ाई जा रही थी, किस तरीके से, किसने इजाज़त दी और पढ़ाई गई, उसको लेकर स्टूडेंट से पूछा जाएगा कि जबरन ये क्यों पढ़ाई जा रही थी। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और प्राइमरी तौर पर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कुछ तथ्य उनको मिल चुके हैं, यानी कि ये कुछ चीज़ें प्रमाणित हो चुकी है और आगे की जांच में भवानी, लेकिन सवाल तो यही है कि तथ्यों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या केवल निलंबन शिक्षकों का यही एकमात्र सलूशन है, इसके आगे कितनी कड़ाई से ये जो गतिविधियां चल रही हैं उन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हिंदुस्तान का भविष्य है, देश का भविष्य है, और इस तरीके से जब घटनाएं सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर चिंता बड़ी हो जाती है। शुक्रिया आपका।